नमस्ते नमस्ते, मैं हूँ निरंजन इंडिया से और मैं मीरा चिंगी मीरा, मेरा जी नाम चिंग चिंग। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं दहेज के बारे में, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जिनका सवाल रहता है कि चाइना में विवाह कैसे होता है और चाइना में दहेज की क्या प्रथा है। और तो हम कंपैरिजन करेंगे इंडिया और चाइना के बीच में दहेज। और सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ज्यादातर जिन्हीं लोगों के विचार में भारत में सिर्फ तो लड़की के परिवार से दहेज देते हैं, क्या यह सही है? हाँ, इसमें बहुत सारी बातें सही है, लेकिन काफी ऐसी कम्युनिटीज है जिनमें आज भी लड़के को भी लड़की को दहेज देना पड़ता है। और कई जगह तो ऐसा है लड़का शादी करने के बाद लड़की के घर में रहता है। हाँ, लेकिन चाइना में आमतौर पर तो लड़के के परिवार से दहेज देते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा है। ये दोस्तों एक सरप्राइजिंग पॉइंट है हमारे लिए कि लड़के वाले दहेज देते हैं लड़की को। हाँ, कितना? लगभग मेरे ख्याल से, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दहेज है, लेकिन मेरे ख्याल से कम 1,00,000 युआन, यानी 1,00,000 युआन, 12,00,000 रुपए। 1,00,000 युआन का मतलब होता है इंडिया के सीधे सीधे भाई साहब 12,00,000 रुपए के करीबन का है ना। तो भारत में कितने दहेज देते हैं? भारत में दहेज ऐसा नहीं होता है, भारत में दहेज में कुछ चीजें देते हैं, मकान, गाड़ी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मकान लड़का का होता है, लड़की के तरफ से उसको बेड दिया जाता है, सोफा दिया जाता है बैठने को, और जो घर में डेली यूज की आइटम्स होती हैं वो दिया जाता है। लेकिन आजकल बहुत सारे परिवार, बहुत सारे गांव और बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी है जिन्होंने दहेज लेने से मना कर दिया है। उन्होंने अपना रूल निकाल लिया है कि इस गांव में कोई भी व्यक्ति की शादी होगी तो किसी को दहेज नहीं देना, कोई दहेज लेके नहीं आएगा, न किसी को दहेज देगा। हाँ, आजकल तो चाइना में यह सिचुएशन भी सेम है, क्योंकि इससे पहले तो लड़के के परिवार से बहुत ज्यादा दहेज देते हैं और कोई फीडबैक नहीं है। लेकिन आजकल युवा लोग तो जब आप शादी होने के बाद ये लड़की के परिवार से ये दहेज आपको वापस दे देते हैं, वापस दे देते हैं, पैसा पैसा वापस आता है। अरे वाह दोस्तों, ये सिस्टम तो अच्छा है, एक हाथ दो दूसरे हाथ वापस ले लो। लोग दिखावा करने के लिए पैसा देते हैं और वापस ले लेते हैं, दैट इज गुड, क्योंकि ये तो लव मैरिज है तो बैलेंस है, इक्वल। इसलिए अगर अरेंज मैरिज हो तो, अरेंज मैरिज तो चाइना में बहुत कम अहमियत है। जैसे मेरे ख्याल से चाइना में अरेंज मैरिज सिर्फ अमीर लोगों के बीच। वो क्यों? अमीर लोग क्यों अरेंज मैरिज? अमीर लोगों के बीच शायद बहुत ज्यादा संपत्ति है, तो शायद अगर आप तो ये संपत्ति दूसरे परिवार से नहीं देना चाहते हैं तो आप दूसरे परिवार, जो आपके परिवार इक्वल है, सेम बराबर है, इसलिए तो अरेंज मैरिज। जैसे आपके पास एक कंपनी है, मेरे पास भी एक कंपनी है, तो ये कंपनी एक साथ सहयोग करके और ज्यादा मानी बना सकते हैं, इसलिए ये तो अरेंज मैरिज है। लेकिन आमतौर पर तो लव मैरिज। दोस्तों ये हुई मैरिज की बात, अब एक गजब की चाल बताता हूँ। चाइना में हो जाते पहले बच्चे, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, और उसके 3 साल या 5 साल बाद में करते हैं शादी। ये यहाँ के, मैं रहता हूँ चीन के दक्षिणी चीन में, गांव में, फुजियान राज्य में, और हमारे गांव की क्या खासियत है, किसी के 2 बच्चे हो गए, किसी के 3 बच्चे हो गए, और उन बच्चों के भी 4-5 साल गुजर गए, उसके बाद में वो शादी करने का विचार करते हैं। तो हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये सिचुएशन तो मुझे मालूम है भारत में, तो भारत में सिर्फ तो शादी करने के बाद, शादी होने के बाद बच्चे पैदा हैं। भी एक आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ देते हैं इस वीडियो के थ्रू, चाइना में एक CIIE करके प्रोग्राम होता है जिसे बोलते हैं चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो, जिसमें अभी हम दोनों मिले हैं और ये वीडियो हमने उसी के दौरान शूट किया है। ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी इसलिए है क्योंकि उस एक्सपो में आप आकर के अपना सामान है वो चाइना ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए यहाँ एग्जीबिशन में लगा सकते हैं। उसका फोरम आपको CIIE.com जो इनकी वेबसाइट है उस पर मिलेगा। ये दुनिया में ऐसे एक्सपो नहीं होते हैं, कोई भी कंट्री ऐसा एक्सपो नहीं करती कि दूसरी कंट्री वाले ऐसे आके सामान अपना एग्जीबिशन में लगाए। तो यहाँ ये जो होता है आप आकर के यहाँ पे अपना सामान बेच सकते हो। और आप कुछ कहना चाहें CIIE के बारे में तो ज़रूर हमारे दर्शकों को बता सकती है, ताकि वो अगले CIIE में यहाँ पे आकर के अपना स्टॉल लगाएं और लोगों को यहाँ इंडिया की चीज़ों को, वैल्यू को समझाए। क्योंकि आजकल, क्योंकि आप ही चाइना में रहते हैं तो आप ज़रूर जानते हैं, आजकल भारतीय सामान और भारतीय संस्कृति बहुत ज़्यादा चीनी लोगों को रुचि है। जैसे आप तो योगा गुरु है, तो आजकल चाइना में बहुत ज़्यादा युवा लोग तो योगा अभ्यास करते हैं और भारतीय फिल्म चाइना में भी लोकप्रिय हैं। और जैसे शायद लोगों को नहीं पता है लेकिन भारतीय चाय चाइना में भी लोकप्रिय है। असम की चाय है और मैसूर का जो सैंडलवुड है जिसे चंदन बोलते हैं वो यहाँ बहुत फेमस है। हाथ से बनी हुई जो साबुन होते हैं, जो हैंडमेड होते हैं, केमिकल रहित होती है, वो सारी चाइना में बहुत फेमस है। साथ में जो
कश्मीर की केसर है, साथ में इंडिया के जो कारपेट है, साथ में इंडिया की जो हस्त निर्मित जो वुडन की आकृतियां हैं, वुडन की जो चीजें हैं वो यहाँ बहुत। इस बार जब हमने यहाँ पे वीडियोस रिकॉर्ड किए तो मैंने आपको मेरे जो वीडियोस है उसमें आपने देखे, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय लोग यहाँ आए और उन्होंने यहाँ हर्ब्स को भी बेचा है, यहाँ बहुत सारी चीज़ों को बेचा है, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। और इंडियन ज्वेलरी का भी चाइना में बहुत क्रेज है। और आज मैंने वहाँ एक राजस्थानी पेंटिंग भी देखा है। बिल्कुल, इससे बिल्कुल। पहले तो जिन लोगों को नहीं पता है यह राजस्थानी पेंटिंग क्या है, लेकिन क्या आपको मालूम है आज सिर्फ तो CII का दूसरा दिन है, लेकिन ये पेंटिंग आठा पेंटिंग हो गया है। तो ये कलाकार ने कहा कि तो मैं कैसे करूं, तो सभी तो सो रहा हो, तो मैं आने वाले दिनों में तो मैं क्या पेश कर सकती हूं। तो दोस्तों ऐसे है कि आप यहां आकर के अपना इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलकर के, धन्यवाद मीरा जी। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।